तीन घाघरे के तीनों हिस्से रख रखे हैं और पूरा ये मतलब वेलवेट पेपर है देख लो। और भाई इधर देखो भाई तीनों पुतलों के हाथ पड़े और देख लो भाई कितने सारे लग रहे हैं भाई। ये हाथ के ऊपर जो लगते हैं ना गोल खड़े, ये वो चीज है भाई साहब। कितनी बड़ी छाती है लिटरली यार, कितनी शानदार लग रही है भाई, कितनी शानदार फिनिशिंग देख लो तुम। पूरा मटाएंगे नहीं, ऐसी देख लो भाई सारा। ये भाई ये 3D डिजाइन है सारा का सारा। भाई देख लो पूरा बंडल आ रखा है भाई थर्माकोल का इधर। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं डिजाइन, देख रहे हो। ये सारे के सारे कलर पेपर के बंडल वगैरह पड़े हैं। ये रावण की छाती वगैरह पे लगाने के लिए काफी शानदार शानदार मतलब शेप्स वगैरह काट रखे हैं। ये चीज देखो कितना बढ़िया लग रहा है डिजाइन, उस हिसाब से शेप की कटिंग हो रही है, मतलब पूरे पूरे बंडल रखे हुए हैं भाई। ये देखो इससे कोई डेकोरेशन होती है। तो हाँ जी भाई मित्रों, क्या हाल चाल है सभी भाइयों के? तो भी आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया, मेरे पीछे देख लियो भाई, आज जो हम रावण की वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे को पता ही है भाई मेरे चैनल पे जो है भाई रावण की सीरीज चल रही है। और आज हम एकदम कहते हैं ना यूनिक लोकेशन पे आए हैं, इससे पहले भाई मैंने यहाँ की वीडियो नहीं बनाई, आज मेरी फर्स्ट टाइम है भाई। अभी जहाँ हम खड़े मैं बता देता हूँ, अभी हम भाई वेस्ट दिल्ली में सुभाष नगर के भाई कैमरा स्कूल में खड़े हैं, जो कि यहाँ पर भाई हर साल 3 पुतले बनते हैं, पर हम वीडियो पहली बार बना रहे हैं, देख रहे हो। फिलहाल भाई यहाँ पर भी भाई डेकोरेशन एक नंबर होती है। मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ पर जो डेकोरेट करते हैं ना वो वही बंदे होते हैं जो सुभाष नगर मेन मार्केट का रावण का जो डेकोरेट करते हैं ना भाई, गोल चक्कर पे रामलीला ग्राउंड का जो रावण सारी डेकोरेशन वो करते हैं, वही इधर करते हैं इसे कैमरा स्कूल में। तो भाई इनकी डेकोरेशन भाई कैमरा स्कूल वालों की और सुभाष नगर वालों की एक नंबर रहती है भाई, एक नंबर। यहाँ से आपको झलक देख लो, देख रहे हो डेकोरेशन अभी हो रही है। और फिलहाल भाई इस टेंट के अंदर है मेन जो रावण का मेन पुतला मतलब मेन धड़ का है वो अंदर है। बस व्लॉग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी मेरे व्लॉग पे नया है व्लॉग को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और एक कर दो प्यार सा कमेंट कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बाकी बस भाई मेरे व्लॉग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस शुरुआत हम इधर से करते हैं, है ना। इधर भाई देख लो भाई घाघरे वगैरह कुछ बन रहे हैं, तीन घाघरे के तीनों हिस्से रख रखे हैं और आधे आधे हिस्से भाई उस साइड पे रख रखे हैं टेंट के, है ना। फिलहाल भाई देख लो तीनों हिस्से इधर पड़े हैं, चेक करो। ये जो है भाई मेन रावण का धड़ है, ये बाकी दोनों कुंभकर्ण मेघनाथ के होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के जो फुट है ना, रावण का फुट इधर 70 फुट है, उसके बाद 65 फुट है और उसके बाद 60 फुट है भाई रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का है। पर सबसे बड़ा भाई रावण होता है, तुम्हें पता ही है ना। उसके बाद भाई फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ का होगा, है ना। और इधर आप देखो कितनी बढ़िया लग रही है भाई चीज़, ये कुछ भाई वेलवेट पेपर इसके ऊपर चढ़ा भाई ब्लू कलर का, मैं पास से दिखाऊं तो ये देखो यार ब्लू कलर का कुछ वेलवेट पेपर चढ़ा हुआ है इस पर, और ऊपर से डेकोरेशन देखो इनकी, है ना खतरनाक, काफ़ी शानदार काफ़ी बढ़िया। और मेन टेंट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, टेंट के अंदर भी भाई काफ़ी शानदार डेकोरेशन चल रही है, मतलब कहते हैं ना अभी तो भाई दूर से देखो, वो देखो वो पड़ी भाई रावण की छाती, है ना बढ़िया। इधर भाई ये बेसिकली भाई ये पुतलों के हाथ बना के इधर जो रख रखे हैं, इधर आप देख ही रहे होगे भाई वेलवेट पेपर का वर्क इनके ऊपर भी भाई डन हो चुका है, और पूरा ये मतलब वेलवेट पेपर है, देख लो चीज़ देख रहे हो कितनी शानदार है। और भाई इधर देखो भाई तीनों पुतलों के हाथ पड़े और देख लो भाई कितने सारे लग रहे हैं, ये देखो है ना शानदार। और उधर जो है भाई गोल कड़े बनाकर रखे हुए हैं, इधर ये देख रहे हो भाई ये हाथ के ऊपर जो लगते हैं ना गोल कड़े, ये वो चीज़ है, ये देखो। बाकी भाई इधर एक पुतला तैयार हो रहा है, ठीक है, इधर एक पुतला तैयार है, मतलब एक छाती तैयार है, इधर छाती तैयार हो रही है, और अंदर जो मेन है वो रावण की छाती है, ये देख रहे हो भाई साहब कितनी बड़ी छाती है लिटरली यार। डेकोरेशन देख रहे हो भाई एक नंबर कर रखी है, इधर भी भाई एक छाती है, इधर भी भाई एक छाती है, देख रहे हो चीज़ देखो भाई कितनी शानदार लग रही है भाई, कितनी शानदार देख रहे हो, है ना मस्त। और इधर ही एक और भाई, ये एक और छाती है, ये भी ढक रखी है, देख रहे हो भाई कितनी सारी रावण की छातियाँ मतलब इधर बन रही है, और काम देख रहे हो भाई कितना शानदार लग रहा है, कितना शानदार। इधर है कुछ भाई पैर वगैरह रखे हुए हैं रावण के, और इधर है छाती, और भाई छाती पे भी भाई ब्लू कलर का वर्क हो रखा है, मतलब ब्लू कलर के पेपर का वर्क हो रखा है इसके ऊपर, और डिज़ाइन देख रहे हो भाई कितना प्यारा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन इस बार बनाया है भाई इन्होंने, कुछ अलग ही है। फिलहाल लेट आया हुआ है तो भाई साइड से ही देख पा रहे हैं, अगर ये खड़ा होता ना उसकी तरह तो मैं आपको इसका भी डिज़ाइन दिखाता, पर ये लेटा हुआ है, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं वहाँ तक तो दिखा ही दूँ तुम्हें, देख लो है ना मस्त बढ़िया यार। मैं आपको पन्नी के पन्नी हटा के दिखाऊँ, ऐसी हल्की सी देख लेते हैं भाई, फिनिशिंग देख लो तुम, पूरा मटाएंगे नहीं, ऐसी देख लो भाई
है ना, चीज एक नंबर। फिलहाल हाथ नहीं लगाते, पीछे हो जाते, और यहीं से देख लो आप चीज देखो। फिलहाल ये जो मुझे लग रहा है ये कितने फुट की छाती होगी यार, ऐसे हम बोलते नहीं, हम पता ही कर लेते हैं ना भैया जी से कितने फुट की छाती है। भैया ये जो डेकोरेशन हो रखी है छाती पे, कितने फुट की है छाती? पैंसठ सत्तर के बीच की है भाई। भैया जी कह रहे हैं 65-70 के बीच की छाती है वो जो रखी हुई है। और भैया इतनी सारी छाती है किस लिए बन रही है? अच्छा तीन यहाँ की लगेंगी, दो बाहर की हैं। अच्छा बाकी तीन जो यहाँ की हैं वो कौन कौन सी है भैया जी? अच्छा ये तीनों यहीं की हैं। ये लो भाई, मतलब बाहर जो आप देख रहे हो छाती वगैरह है कहीं और की है भाई। ये जो दो छाती देख रहे हो ना ये भाई, ये कहीं और की है। बाकी जो कैमरा स्कूल की है वो भाई ये तीन छाती है देख लो, ये एक वो दो और उधर वो, ये भाई एक ये बड़ी भाई तीन। और टेंट के पीछे मेरी नजर गई भाई, टेंट के पीछे भी भाई कोई चीज बड़ी, घाघरा। मैं आपको घाघरा दिखाऊं तो इधर भाई ये घाघरा चेक करो, ये देख रहे हो भाई बहुत बड़ा है घाघरा भी भाई। मैंने आपको बताया भाई अपना 70, 65 और 60 ये तीन जो है हाइट रख के मार्जिन लेकर चल रहे हैं अपना, कि हाँ इतने हाइट के हमने बनाना है भाई रावण को, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले इतने हाइट के उन्होंने बनाने हैं। बाकी भाई बस वक्त तो इनका डन हो चुका है, बस पेपर और डिज़ाइन का वक्त है जो मेन इनका बचा हुआ है फिलहाल। इधर भाई ये देख लो, और यहाँ पर भी भाई जो पुतलों पर डिज़ाइन हो रहा है ना वो कुछ 3D डिज़ाइन हो रहा है, ये देख रहे हो सारा, ये भाई ये 3D डिज़ाइन है सारा का सारा। मैं आपको दिखाऊं भाई डिज़ाइन किस चीज़ से बना रहे हैं, तो डिज़ाइन कुछ इन थर्माकोल्स के, आप देख रहे हो बंडल भाई, देख रहे हो पूरा बंडल आ रखा है भाई थर्माकोल का इधर। और ऐसी कुछ भाई ये डिज़ाइन की कटिंग वगैरह हो रही है, ब्लेड वगैरह ये बड़ी, ये देख लो यहीं से कुछ भाई डिज़ाइन की कटिंग वगैरह हो रही है मार्किंग वगैरह हो जाने के बाद, और फिर कुछ ऐसे ऐसे पीसीज में डिज़ाइन रखे हुए हैं। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं डिज़ाइन, देख रहे हो चेक करो, मतलब जैसे मेन सुभाष नगर मार्केट का आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा भाई उनको मैं बता देता हूँ, वहाँ पर भी भाई कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग करी गई है, पर उनकी जो डिज़ाइन की शेप है ना वो थोड़ी बहुत अलग है ना, बिल्कुल सेम नहीं कहेंगे, सेम कह ही नहीं सकते भाई, वो अलग है, ये अलग चीज़ है ना बढ़िया। ये देखो और इधर कुछ भाई ये कलर पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये देख लो ये सारे के सारे कलर पेपर के बंडल वगैरह पड़े हैं, ये पिंक कलर की शीट आ गई, ये सिल्वर आ गई, इधर एक ग्रीन आ गई, गोल्डन वोल्डन सारे कलर की शीट्स हैं इनके पास, चीज़ भी एक नंबर बना रखी है भाई। ये देख लो, देख रहे हो ये रावण की छाती वगैरह पे लगाने के लिए काफ़ी शानदार शानदार मतलब शेप्स वगैरह काट रखे हैं। और जो इनके डिज़ाइन में मैं आपको खास बात बताऊँ, इनका जो डिज़ाइन रहता है ना मतलब पूरा पूरा एक एक इंच का मार्जिन लेकर चलते हैं भाई, ये एक एक इंच का डिज़ाइन, मतलब अगर ये शेप इधर ख़त्म होगी ना तो यहाँ से ये ऐसे करके शेप बनाई है, मतलब पूरा मतलब स्केल से नाप नूप के पूरा मतलब भाई एक नंबर बनाते हैं भाई ये शेप, देख लो। और एक भाई ये बड़े बड़े कुछ डिज़ाइन वगैरह रखे हुए हैं, ये देख रहे हो ये चीज़ देखो कितना बढ़िया लग रहा है डिज़ाइन, है ना बढ़िया। इसको फिलहाल वैसी ऐसी रख देते हैं जैसे था, और देख लो इधर भी भाई कुछ थर्माकोल का काम चल रहा है, देखो मैं कह रहा हूँ ना भाई ये कुछ भाई ये नाप के काटते हैं, ये देखो ये कुछ भाई है, अब इनके ऊपर कलर शीट चढ़ेगी इधर के नीचे, फिलहाल इसको वापसी यहीं रख देते हैं। और मैं दिखाऊँ इधर भी भाई, देखो पीसीज वगैरह रखे हुए हैं थर्माकोल के, है ना बढ़िया चीज मस्त एकदम। इधर भी भाई ये कुछ डिजाइन के पीसीज वगैरह रखे हुए हैं, ये देख रहे हो कितने बढ़िया लग रहे हैं छोटे छोटे पीसीज वगैरह गोल्डन कलर के, है ना मस्त बढ़िया एकदम। ये देख रहे हो पूरा भाई एक एक स्क्वायर फीट वगैरह नाप के मतलब पूरा देख लो उस हिसाब से शेप की कटिंग हो रही है, बढ़िया मतलब काफ़ी शानदार तरीके से इनका काम होता है। और हाँ जो ये आप ऐसे डिज़ाइन देख रहे हो ना इसका भाई मैं बंडल दिखाऊँ तो भाई ये देखो नीचे, ये देख रहे हो ये चीज़ चेक करो, मतलब पूरे पूरे बंडल रखे हुए हैं भाई, ये देखो इससे कोई डेकोरेशन होती है ना चीज़ ज़बरदस्त बढ़िया यार। तो गाइस तुम खुद ही देख लो भाई इनके डिज़ाइन में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता, हर बार का मतलब कहते हैं ना
एक नंबर डिजाइन का वर्क इनका कुछ रहता है। फिलहाल भाई ये छोटी सी वीडियो छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ है ना, बाकी मुझे बताना कि मेरे चैनल पर यहाँ कैमरे स्कूल की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर कहीं और के रावण एक्सप्लोर करें। अभी के लिए फिलहाल बस भाई इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके जरूर करना कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।